हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो देखते हैं लोक लेखा समिति के बारे में। तो लोक लेखा जो समिति की शुरुआत हुई तो 1921 में, यह सबसे पुरानी लेखा समिति है। इसके जो कुल सदस्य होते हैं तो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। इसके जो सदस्य होते हैं तो वह पूरी तरह से निर्वाचित होते हैं। कौन सी पद्धति के द्वारा? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। कार्यकाल जो होता है इनका 1 वर्ष का होता है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं तो स्पीकर द्वारा मनोनीत होते हैं, लोकसभा स्पीकर द्वारा मनोनीत होते हैं, और विपक्ष का सदस्य ही बनता है। ठीक है, और विपक्ष का सदस्य ही बनता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों।